सबसे बड़ी कि हमारे साथ इन्होंने दो फिल्में बनाई हैं जिनका नाम शिवनारायण सिंह है, लेकिन इन्होंने जब भी मेरे साथ फिल्म बनाई एक निर्माता के तौर पे नहीं बनाई, इन्होंने मेरे साथ जब भी एक बाप बेटे का रिलेशन जैसे होता है, एक घर परिवार का रिलेशन होता है, इन्होंने मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया और एक रिश्ता है इनसे मेरा, और मैं इनकी फिल्में करता हूँ तो मैं बेहद खुश रहता हूँ और मुझे इतना ऊर्जा मिलता है इनसे कि मैंने पहला कोई प्रोड्यूसर देखा जो कि डंडा लेकर खुद पब्लिक को इधर उधर कर रहा है कि बाबू थोड़ा साइड हो जाओ काम करना है, तो ये कभी अपने आप को प्रोड्यूसर के तौर पे हमारे साथ जब भी इन्होंने काम किया प्रोड्यूसर की तरह कभी इन्होंने ट्रीट नहीं किया। और ये जो मेरी मूवी है ये मेरे ओरिजिनल लव के ऊपर है, हम जब गाँव में खेती में भागते थे चिट्ठी फेंकते थे भाई पर बैठ के हाथ मारते थे अपने गर्लफ्रेंड को और बहुत पंगा होता था, एक बार जैसे हुआ था सांप बैठ गया था हम अपने गर्लफ्रेंड को बुला लिया है और कह रहे कि इधर आओ, हम कहीं नहीं तुम इधर आओ ऐसे बांधा है, बाद में देखे तो पंगा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी जो ओरिजिनल लव मैं गांव में किया था चिट्ठी फेंका एक बार और पर भाई से हक दी भाई से उस पर मार दी प्लांटी, तो फिर उसी गोबर के साथ मेरी गर्लफ्रेंड ने उस चिट्ठी को उठाया और फिर ले जाकर पढ़ा, फिर जाकर पढ़ा, उसको सुखाया, फिर निकाला, फिर निकाला, निकाल के फिर पढ़ा। देखिए हमने लुप्त किया है, ऐसे लुप्त आज के जीवन में कुछ नहीं हुआ है, हम अपने शौक के तौर पे मोबाइल रख लिया है मैसेज का, जो हम चिट्ठी में बातें अपने लिखते हैं उसी को हम मैसेज में लिखते हैं, तो चिट्ठी लुप्त कहाँ से हो सकती है, लिखावट तो सेम ही है। तो लेकिन अंतर इतना ही है कि पहले चिट्ठी फेंका फेंकी होता था, अब मैसेज फेंका फेंकी मोबाइल नहीं देख सकते। देखिए हमारे मित्र शिवनारायण सिंह जी जो हैं वो कभी छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते हैं, वो जब भी करते हैं तो बड़ा धमाका ही करते हैं। और ये सुखद संयोग है कि शिवनारायण सिंह जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं उन्होंने मतलब जो भोजपुरी के जो दो सुपर धमाके हैं, एक दिनेश लाल निरहुआ जो हमारे भाई सदृश हैं और ये इनका बड़प्पन है कि मुझे बड़े भाई का रुतबा देते हैं, और एक खेसारी लाल जी है, ये दोनों ही और आम्रपाली जी, तो ये बहुत अच्छा सुखद संयोग बनाया है शिवनारायण सिंह जी ने। तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो और उनकी फिल्म अनंत ऊंचाइयों को छू। जी मैंने दिनेश लाल जी की एक फिल्म देखी हुई है निरहुआ रिक्शा वाला, और वो मुझे लगा था कि बड़ी रुतबे की फिल्म थी, और एक फिल्म और आई थी जो मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा था, लेकिन मैं भयभीत हो गया और मैंने कहा कि भाई इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये उच्च कोटि के कलाकार हैं और सिद्धहस्त हैं भोजपुरी में, और अगर उच्च कोटि के सिद्धहस्त कलाकार के साथ आपको खड़े रहना है तो निश्चित रूप से किरदार भी उतना ही दबंग और दमदार होना चाहिए, तब कहीं हम जैसे कलाकार कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये लोग सब दादा लोग हैं भोजपुरी के, कि क्या पता ये प्रोड्यूस करें, लेकिन इनसे मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रोड्यूस करें तो उसमें ये एक्ट ना करें, सिर्फ मैं एक्ट करूं। बिल्कुल, ये बड़े भैया का बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में नहीं बनती जो नेशनल अवार्ड लेके आए फेस्टिवल में जाए, तो मैं ये बात मानता हूँ कि जिस दिन भी हम भैया को ला पाएंगे भोजपुरी में और इनको लेके जिस दिन फिल्म बनाएंगे निश्चित रूप से भोजपुरी को भी नेशनल अवार्ड हम दिला पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है।